पूरे 5 घंटे तक गहमा गहमी मची रही और सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर तैयारियां शुरू हुई और दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ सर्वे पर रोक लग गई। सुबह 7 से 12 बजे तक क्या क्या हुआ, 5 घंटे का पूरा घटनाक्रम इस रिपोर्ट में देखिए। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी परिसर की। महत्वपूर्ण ज्ञानवापी की समस्या का हल सर्वे ही है। ज्ञानवापी परिसर के बाहर आज सुबह से ही जबरदस्त हलचल थी। वाराणसी कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी का सर्वे कराने के फैसले के बाद आज का दिन बेहद खास था। हिंदू पक्षकारों और समर्थकों के साथ आम लोगों की भीड़ भी मौजूद थी, लिहाजा ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सुबह 7 बजे के करीब एएसआई की टीम ज्ञानवापी पहुंची और इस वक्त हमारी मौजूदगी ज्ञानवापी परिसर में, तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एएसआई की गाड़ी है और लगातार सारनाथ से आप देखिए जहां पर इनका मेन सेंटर है, तमाम वो अधिकारी जो आज इस सर्वे को अंजाम तक पहुंचाएंगे वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके आईडी कार्ड जो कि एएसआई लिखे हुए हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हालांकि इन्होंने चुप्पी साध रखी। करीब 10 मिनट बाद एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर के पास सर्वे की प्राथमिक शुरुआत की, मगर सर्वे का काम करीब आधे घंटे के बाद ही रोकना पड़ गया क्योंकि मुस्लिम पक्ष वहां नहीं पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे का विरोध जताते हुए बायकॉट कर दिया। ये हम ये समझते हैं कि जो लोअर कोर्ट ने वो दिया था ये ऑर्डर कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम साइड ने उसको अपोज किया है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल इसके खिलाफ अपील की गई है, तो बेहतर ये होता कि पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता और उसके बाद ही कोई सर्वे होता। हालांकि आधे घंटे बाद करीब 8:15 बजे सर्वे का काम एक बार फिर शुरू हो गया। ज्ञानवापी परिसर में इस वक्त एएसआई द्वारा सर्वे किया जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त जी मीडिया आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, मंदिर प्रांगण, खासकर जो ज्ञानवापी परिसर है पीछे की तरफ उसका है और लगातार यहाँ पर आप देखिए कि जो एएसआई के तमाम अधिकारी हैं वो इसके अलावा सुरक्षाकर्मी भी चक्कर लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सर्वे 7 बजे से शुरू होना था, हालांकि मुस्लिम पक्ष इसका सहभागी नहीं हुआ इसलिए ये सर्वे लेट शुरू हुआ, पर सर्वे शुरू तो हुआ है। आपको बता दें कि आज बड़ा सर्वे है और ज़िला कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया था कि एएसआई इसका सर्वे करेगी जिसके बाद 4 अगस्त को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त कैमरा पर्सन प्रमोद आपको कैमरा पैन करके दिखा रहे हैं। आप देखिए सुरक्षा कर्मी भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस की कर्मी हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स हो, कमांडोज हो, सबको यहाँ पर तैनात किया गया है। प्राथमिक सर्वे में एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार का मुआयना किया और बारीकी के साथ हर चीज की जाँच करना शुरू किया। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जी न्यूज की टीम से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष का विरोध सिर्फ मौखिक है, उन्होंने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं दी है। मैं यही बता रहा हूँ कि ये सारी बातें ओरल चल रही हैं कि हम सर्वे का विरोध करते हैं, हम सर्वे का स्टे चाहते हैं, पर उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के स्टे के लिए कोई एप्लीकेशन, कोई याचिका फाइल ही नहीं की है, ना हमें कोई उसकी कॉपी रिसीव कराई गई है, तो ये सारी बातें ओरल चल रही है। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बीच ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम का सर्वे जारी था। जी न्यूज के कैमरे में ज्ञानवापी के भीतर एएसआई सर्वे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी कैद हुई। जी न्यूज संवाददाता ने एएसआई टीम की गतिविधियों को बारीकी से देखा और दर्शकों को सर्वे के दौरान हुई एक एक बात बताई। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी परिसर की। बालक जी तस्वीरें दिखाइए, सामने आपको सर्वे टीम के जो सदस्य हैं वो मस्जिद परिसर के भीतर चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए सामने आपको जो लोग मस्जिद के परिसर के खंभे के पीछे, ज्ञानवापी परिसर के खंभों के पीछे जो लोग जाते दिखाई, ये देखिए ये टोपी लगाए शख्स, इसके अलावा अगर बात करें तो पीछे आने वाला शख्स, ये सामने से जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा जो आपको पीछे की तरफ ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं सब सर्वे टीम के सदस्य हैं। और आज वो सर्वे, वो वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है जिसकी तस्वीरें जी मीडिया एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। आप देखिए सर्वे के जो सदस्य हैं वो किस तरह से एक एक चीज को देखते हुए, एक एक चीज पर पूरी अपनी निगहबानी करते हुए। एक तरफ एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर रही थी तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी। ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे का बायकॉट किया है
क्योंकि प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ याचिका डाली गई है। बावजूद है कि हम उसमें एक पक्ष हैं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी कि हम सर्वे करने आ रहे हैं। एक वजह तो ये है, एक हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, इसका भी एक प्रोसीजर ये है कि हमें सूचना दी जाए, नहीं दी गई। दूसरी वजह यह है कि इस आदेश के खिलाफ हम आज सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, आज ही हमारी हेयरिंग होने वाली है। आप खुद बताइए कि जिस चीज़ के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, उसी चीज़ में हम कैसे शामिल हो जाएं। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11:15 बजे सुनवाई का वक्त तय किया। इस बीच एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी में सर्वे का काम जारी रखा। तय वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मुस्लिम पक्ष ने पूरे मामले को सीजीआई की बेंच के सामने रखा। सीजीआई ने कहा कि ये मामला पहले से ही 28 जुलाई को सुनवाई की लिस्ट में है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, जिला जज ने सर्वे का आदेश दे दिया है, इसलिए जल्द सुनवाई की मांग के साथ हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सीजीआई ने पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? सीजीआई ने सलाह दी कि आप हाईकोर्ट से सर्वे पर रोक की मांग करें, ये सर्वे आपके पुराने आदेश का उल्लंघन है, हम फिलहाल रोक चाहते हैं। उसके बाद सीजीआई ने कहा, हम एएसआई को निर्देश दे सकते हैं कि फिलहाल कोई खुदाई न हो, शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, जिसके तहत 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई। माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था, उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा, और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए से चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा। अब हाईकोर्ट के अगले आदेश पर ही ज्ञानवापी में सर्वे का काम आगे बढ़ेगा। अगले आदेश तक ज्ञानवापी की यथास्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज सुबह से ज्ञानवापी सर्वे के मामले पर 5 घंटे तक जबरदस्त हलचल बनी रही, जिसका नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 53 घंटे तक ज्ञानवापी में एएसआई की टीम कोई गतिविधि नहीं करेगी। वाराणसी से संवाददाता नीतीश पांडे, विशाल पांडे और शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।